हमारे यहाँ बहुत सारे लोग बुलंदियों पर पहुँचना चाहते हैं, क़यादत करना चाहते हैं, लोगों की रहनुमाई करने का इरादा रखते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमें ना रास्ता बिल्कुल हमवार मिले और बड़ी जल्दी से हम मंजिल तक पहुँच जाएं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिसाल दे के मेरे रब करीम ने कुरान मजीद के पहले सिपारे में हमें समझाया, फरमाया बुलंदियाँ, अजमतें, इमामत, दर्जात, क़यादत, रहनुमाई, मुक्तदा होना, इसके लिए कुछ आजमाइशों से भी गुज़रना होता है, कुछ पगडंडियों से भी तुम्हारा गुज़र होता है, कुछ रास्ते तिरछे टेढ़े भी होते हैं, उन सब से होकर के आओगे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें वो अजमतें अता करेगा। कुरान मजीद पहला सिपारा सूरह बकरा की आयत नंबर 124 में अल्लाह करीम ने फरमाया, बड़े बड़े सख्त लोग इम्तिहान लेने वाले होते हैं और उन इम्तिहानात से गुजरने वाले लोग कहते हैं कि ये जो शख्स हमें मिला था ये बड़ा सख्त था, उस शख्स की तो शान देखे ना, उसका भी तो मकाम देखें जिसका इम्तिहान खुद रब्बे करीम ने लिया। और फरमाया वा इज़ी बतला इब्राहीम रब्बहू बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना, फरमाया आजमाया तुम्हारे रब ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कुछ बातों से, अल्लाह ने आजमाया, फअतम्महुन्ना, वो अपने रब की आजमाइश पर पूरे उतरे। अल्लाह ने आजमाया, किस तरह आजमाया, कभी तो उन्हें नमरूद की जलाई हुई आग में जाना पड़ा, कभी उन्हें बड़े सख्त किस्म के मुनाजरों मुबाहसों से गुजरना पड़ा, कभी अपनी कौम को समझाने के लिए उन्हें बड़े कठिन और अहम पेचीदा सवालात के जवाब देने पड़े, कभी उन्हें हिजरत करनी पड़ी, कभी उन्हें अपनी बीवी और अपने नौनिहाल बेटे को वादिये गैर ऐसी ज़र इन में छोड़ के आना पड़ा, कभी शरीयत के सख्त अहकामात की पाबंदी की। रब कहते मैंने आजमाया, फातम महुन्ना, पस वो पूरे उतरे। काला इन्नी जाइलो का लिन्ना से इमामा, फरमाया बेशक मैं आपको तमाम इंसानों का इमाम बनाने वाला हूँ। अब अल्लाह ताला ने उनके लिए इमामत को रखा, आपको तमाम इंसानों का इमाम बनाने वाला हूँ। बड़ी प्यारी होती है औलाद, बड़ा शौक रखता है इंसान अपनी औलाद की तरक्कियों का। रब करीम ने फरमाया इब्राहिम आपको इमाम बनाना चाहता हूँ। काला व मिन ज़ुर्रियाती, कहा या अल्लाह मेरी औलाद में से भी। काला ला यनालु अहद ज़ालिमीन, फरमाया मेरा वादा ज़ालिमों को नहीं पहुँचता। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि उनमें से जो ज़ालिम होंगे उनको तो यह दर्जा नहीं मिलेगा, लेकिन जो रब से डरने वाले होंगे उन्हें अल्लाह बड़े दर्जात अता फरमाएगा। अल्लाह ताला ने उनकी नस्ल में इमामत को इस तरह रखा, हजरत इब्राहीम की औलाद में इमामत को इस तरह रखा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उनकी औलाद में पैदा फरमा दिया, उनकी औलाद में पैदा कर दी। तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को उनकी इत्तबा का कहा, लेकिन पीछे हिकमत क्या बयान की, व इज़ी बतला इब्राहीम रब्बहू बिकलिमात, पहले अल्लाह ने जनाब इब्राहीम को आजमाया, यारी तेरी सोना है पर अजमैशा भी तेरिया अग, ये सोना परख्या जामदाई पहलो ना लगा दे लग। आप पहले किसी घाटी से गुजरें, किसी घाटी से जख्म पे जख्म खा के जी जी और खूने जिगर के घूंट पी, आह न कर लबों को सी, ये इश्क है को दिल लगी नहीं।